कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में फैली महामारी से जहां जनजीवन बेहाल हो गया है, तो वहीं भारत देश में भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर देश में लॉकडाउन 2 को 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। और इसी लॉकडाउन के बीच रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है। जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रख खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन इस माह रमजान में मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा किस तरह से रमजान गुजारने की हिदायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। रमजान के पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोजा रखना फर्ज बताया गया है और ज्यादातर लोग इस पर अमल भी करते हैं। लेकिन इस बार का माह रमजान लॉकडाउन के बीच आ रहा है और इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी रोजेदारों को घर में रहकर नमाज पढ़ने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की अपील की है। मौलाना अरशद ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पहले से ही दारुल उलूम देवबंद व उलेमाए हिंद की तरफ से जो हिदायत देश के मुसलमानों को दी गई है, उसी पर अमल करते हुए सभी लोग घरों में नमाज पढ़ेंगे। जैसे लॉकडाउन का पालन करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, अपने घरों पर रहकर तरावी पढ़ेंगे। वहीं सिकंदराबाद के शहर काजी मोहम्मद आरिफ कासमी ने बताया कि सभी लोग घरों में नमाज अदा करेंगे, मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करें। तरावी की नमाज में भी लोग किसी के घर न जाकर अपने घरों पर ही तरावी पढ़े। अगर घर में कोई हाफिज नहीं है तो घर पर ही अलमतरा से तरावी पढ़े। इफ्तार की खरीदारी के लिए भी ज्यादा भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इसके अलावा शहर काजी ने खास तौर से युवा वर्ग के लोगों से अपील की है कि रात में घरों से बाहर ना निकलें। मौलाना मोहम्मद अरशद, लॉकडाउन के चलते हुए रमजानुल मुबारक इसी तरीके से मनाया जाएगा और इसी तरीके से अमल किया जाएगा जैसे पिछले लॉकडाउन से लोग अमल करते चले आ रहे हैं। मसाजिद के अंदर कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, 3-4 लोग मिलके मसाजिद के अंदर नमाज तरावी अदा करेंगे, कुरान करीम पढ़ा और सुना जाएगा और बाकी आम मुसलमान लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज तरावी का अहतमाम करेंगे। आम मुसलमानों को उन हिदायात के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में भी अमल करना चाहिए जो हिदायात पहले से हमारे मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद और दूसरे सरकर्दा उलमा की तरफ से हिदायात जारी की गई हैं। मुसलमान इंशाअल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर अमल करेंगे और अपने अपने घरों में रहकर रमज़ानुल मुबारक की इबादतों के अंदर मशगूल रहेंगे और मसाजिद में जो 3-4 लोग आएंगे वही नमाज तरावी का अहतमाम करेंगे। इसके अंदर सभी लोगों का फ़ायदा है। जिस तरीके की हिदायत जारी की गई है उस पर सबको दिलो जान से अमल करना चाहिए और आम घरों के अंदर भी अपने घर के लोगों के अलावा दूसरे लोगों को बुलाकर तरावी के अंदर शरीक न करें बल्कि अपने घर के चंद लोग 2-3-4 लोग मिलकर ही नमाज तरावी का अहतमाम करते रहें। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कासमी, शहर काजी सिकंदराबाद। जी, रमज़ान का मुकद्दस महीना आने वाला है। अगर 24 तारीख में चांद दिख जाता है तो 25 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएंगे, वरना 26 से तो शुरू हो ही जाएंगे। बिलाशुबा ये कि मुकद्दस महीना है, बरकत वाला महीना है और इसमें मुसलमान हजरात बहुत सारी इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं। तो इस सिलसिले में यही मैं कहना चाहूँगा, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, हमारे मुल्क में भी ये इजाफा होता जा रहा है और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए जैसे चल रहा है कि नमाज वगैरह 5 वक्त की हम घर में पढ़ रहे हैं,
ऐसी रमज़ान शरीफ में भी हम नमाज़ें घर में पढ़ेंगे और ख़ासतौर पर तरावी की नमाज़ जो रात में दो घंटे की नमाज़ पढ़ी जाती है वो भी घर पर ही अदा करेंगे, मस्जिद में नहीं आएंगे। मस्जिद के परिसर में जो दो मौज़िन हैं, इमाम रहते हैं, वो अपना जमात नमाज़ पढ़ते रहेंगे तरावी की, लेकिन बाहर से कोई मस्जिद में आकर में नमाज तरावी नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वो चाहें तो कुरान करीम सुनें या आलम तरह से पढ़ें। अगर कोई हाफिज़ मैसर हो जाए जमात कराने वाला तो घर में घर के ही दो चार पाँच अफराद जो भी हैं उन्हीं के साथ वो जमात से पढ़ सकते हैं या तन्हा तन्हा तरावी पढ़ें। दो तीन घरों के लोग इकट्ठे होकर नमाज न पढ़ें तरावी की किसी भी एतबार से। इसका पूरा उस पर पूरा अमल किया जाए और ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करके नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना। इसके अलावा जो इफ्तार के टाइम में मसला रहता है, इफ्तार के टाइम पे बाज़ारों के अंदर भीड़ ना हो बिल्कुल। अगर इंतज़ामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो टाइम मुतय्यन है, जिस टाइम बाज़ार खुलता है, उसी वक्त में जो है वो अपनी ख़रीदारी कर ली जाए, और अगर ख़रीदारी ना कर पाएँ तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मैसर हो उससे इफ्तार कर लें। इसके अलावा रात में ख़ास तौर पर जवानों से कहूँगा कि वो बिल्कुल बाहर ना घूमें, इसका पूरा ख्याल रखें, और ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत, अल्लाह से दुआ मांगने में गुजारें, कुरान पढ़ें, और कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म होने के लिए दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया से, हमारे मुल्क से और सब जगह से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दें और सबकी हमारी हिफाजत फरमा दें। ये है गौरतलब है कि रमज़ान का पाक महीना 25 या 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये दो तारीख इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि चांद को देखकर ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, यानी रमज़ान के करीब 10 रोजे भी लॉकडाउन 2 के बीच ही गुजरेंगे और फिलहाल लॉकडाउन 2 की स्थिति 3 मई तक बनी रहेगी। लेकिन भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है कि इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि ईद का त्यौहार भी लोगों को घर पर ही मनाना पड़े। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि इस बार रमज़ान के महीने के केवल 10 रोजे ही नहीं बल्कि पूरा रमज़ान का महीना लॉकडाउन के बीच गुजर सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे लगता है कि लॉकडाउन का जो टाइम है वो टाइम पीरियड आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु सभी मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहकर ही रोज़े रखें और घरों में ही रहें, स्पेशली मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि रमज़ान के महीने में लोग ज़्यादा इबादत करते हैं, तो इस बार आपको इबादत ज़रूर करनी है लेकिन अपने घरों में करनी है। Time24 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।